तो हमारा आज का वीडियो है कैपेसिटर और शंट फिल्टर। व्हाई फिल्टर सर्किट इज नीडेड। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि हमें फिल्टर सर्किट की ज़रूरत क्या है। तो इसका आंसर ये है कि जो रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो हमारे पास परफेक्ट डीसी नहीं है, वो एक फ्लक्चुएटिंग डीसी है। तो उसकी वजह से अगर हम देखें जो रेक्टिफायर की आउटपुट है वो कुछ इस तरह की है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, जबकि जो हमें रिक्वायर्ड है डीसी वो कुछ इस तरह से होती है, पूरी स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरा पॉइंट, सम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मे नॉट वर्क प्रॉपरली इन फ्लक्चुएटिंग डीसी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ऐसे है जो फ्लक्चुएटिंग डीसी में काम नहीं कर सकते, उनके लिए हमें परफेक्ट डीसी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें एक फिल्टर सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी फ्लक्चुएटिंग डीसी को मॉडिफाई कर सके। हैंस फिल्टर सर्किट इज ए सर्किट यूज टू फिल्टर एसी कंपोनेंट फ्रॉम ए रेक्टिफायर आउटपुट। रोल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का क्या रोल है? हम जानते हैं कि एक कैपेसिटर के लिए एक्ससी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हमारा होता है 1/2πfc, वेयर सी इज कैपेसिटेंस एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी। डीसी के लिए फॉर डीसी एफ इज इक्वल टू जीरो एंड हैंस एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इनफिनिटी। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी के लिए ज़्यादा होता है इसलिए वो कैपेसिटर डीसी को रोक लेता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है जो रोल ऑफ कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ बैटरी। जो कैपेसिटर अगर एक बार चार्ज हो जाए तो वो बैटरी की तरह काम करेगा। और तीसरा पॉइंट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज नॉट सडनली। कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो एकदम से नहीं होती, वो धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन द आरसी टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम। हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, हम पहले ही जानते हैं कि ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। एक तरफ ट्रांसफार्मर इसमें है, इनपुट हमने दी हुई है, और जो डायोड, एक डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज होता है, और डायोड की जो आउटपुट है इस तरह से आती है, इसमें हाफ वेव हमें मिलती है। अगर यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट में हम एक कैपेसिटर इस तरह से लगा दें तो ये हमारा कैपेसिटर फिल्टर बन जाएगा। और अब इसकी आउटपुट हम देखेंगे वो कैसी आएगी, आउटपुट हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये है हमारा कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर को यहाँ पर पैरेलल में लगाया गया है, क्योंकि कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा देंगे तो वो डीसी को रोकेगा, और पैरेलल में लगाया है तो जो एसी कंपोनेंट हैं वो इसके थ्रू शॉर्ट हो जाएंगे। एसी के लिए इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि एसी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कुछ ना कुछ होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू डीसी। तो ये जो हाफ वेव है ये कैपेसिटर में से निकलने के बाद कैसी रह जाएगी वो हम देखेंगे। ये देखिए, ये हमारी थी हाफ वेव बिना कैपेसिटर के। जैसे ही हमने कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर हमारा चार्ज होएगा पहले, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है इस वेव का, इसमें कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होएगा तो वो एकदम से नहीं होएगा, वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। जो हमने कैपेसिटर की वैल्यू ली है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पर जो वेव, हाफ वेव हमें नहीं मिल रही थी जिस पार्ट में, उस पार्ट में भी हमें अब कुछ सिग्नल मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है इस तरह से हमें मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो थोड़ी सी मॉडिफाई होकर मिल जाती है। यहाँ पर जो आउटपुट है वो परफेक्ट डीसी अब भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो फिल्टर हो गई है। जहाँ पर आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो थी वहाँ पर कुछ आउटपुट आने लगी है। तो ये है हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट कैपेसिटर फिल्टर लगाने के बाद, जो रेड पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है वो वाला। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।